guys, it's me, Devisha, and good morning. Good morning because abhi subah ke 7 baj rahe hain and that is why I look like this. And main abhi 10 minute pehle uthi hu, literally. You know, main kabhi is time pe nahi uthti, like almost never. And today, I woke up itni subah and I thought, is baat pe to ek vlog banta hai. Why do I have itni energy in the morning? I don't know. नाड़ा खुला है मेरा. वेट, मुझे नाड़ा बंद करने दो पहले. एंड पता है मेरा बहुत ओके, आई एम फाइन. 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से. एंड पता है मेरा बहुत टाइम से मन था टू शूट अ डे इन माय लाइफ टाइप ऑफ व्लॉग सो दैट यू गाइस नो कि पूरे दिन में मैं एक्चुअली में करती क्या हूँ. व्हाई एम आई डूइंग दिस? आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद मी. ओके, तो मैंने सुबह उठ के ब्रश कर लिया, टट्टी कर लिया, नहीं पहले टट्टी करा फिर ब्रश करा. एंड ऑब्वियसली वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी ना, अनलेस यू गाइस वांट टू वॉच इट. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. एंड अब मैं करूंगी कंगी. ओके, फॉलो मी. What am I doing? I don't know. Just to remind you, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये मेरा usual routine नहीं है. I mean है. मैं रोज सुबह 7 बजे उठती हूँ. है. सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है. Okay, on a serious note, मेरी शक्ल कैसी सी लग रही है close up में? भाई साहब, क्या गड्ढे पड़े हुए हैं. क्या करीब आओगे? प्लीज लीव डाउन इन द कॉमेंट्स बिलो कि मैं कैसे बिना मेकअप के भी बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ. प्लीज डू दैट. प्लीज मुझे वैलिडेशन चाहिए. प्लीज सीरियसली दो, आई थिंक अ लॉट ऑफ यू गाइज नो कि 2020 में मैंने MBBS खत्म करा था एंड एवर सिंस आई हैव बीन ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर पोस्ट ग्रेड एंट्रेंसेज, दैट इज नीट PG. एंड नीट PG का पेपर तो ओ माई गॉड कितनी बार पोस्टपोन हो चुका है. इट वॉज सपोज टू बी इन January, देन इट गॉट पोस्टपोन एंड अब हमें पता ही नहीं कि कब होगा. बट अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज इन जनरल सबके लिए बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेज हैं. लाइक सब लोग ही सफर कर रहे हैं. 12th वालों के तो एग्जाम ही कैंसिल हो गए. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? इतनी खुशी है मुझे आज तक. एनीवे, डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगी, बट आई जस्ट वांटेड यू टू नो कि मैं दिन भर में करती क्या हूँ. म्यूजिक जिकरदा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा. बट मैं जब भी सो के उठती हूँ फ्रेश होने के बाद, खाने पीने के बाद, द फर्स्ट थिंग आई डू इज कि आई प्लान कि आज के डेट में मुझे कितना पढ़ना है. राइट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं बनाती बिकॉज मैं स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स फॉलो नहीं कर पाती. बट थोड़ा सा रफ आइडिया कि आज मुझे एनाटॉमी इतना पढ़ना है, फिजियोलॉजी इतना पढ़ना है एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड लेट मी शो यू हाउ माई बेड लुक्स लाइक. यू वॉन्ट नो राइट? यू वॉन्ट नो हाउ माई बेड लुक्स लाइक? द बेड आई स्लीप इन. Why am I talking like this? I am so sorry. मैंने पक्का ड्रग्स नहीं किया, promise. These are some notes, pencils, books. बीच में थोड़ा खाने पीने का सामान जो मम्मी रख देती हैं. And yeah, काफ़ी messed up. ये रिकॉर्ड तो मैंने अभी निकाला था. कीबोर्ड, देन माय टेबल अगेन. मैं टेबल चेयर पे ज़्यादा बैठ के पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं मोस्टली बेड पे ही पढ़ती हूँ एज यू कैन सी. बट this and these are some things that I have a hard time remembering. You can see immunohistochemical markers jo pathology mein hame yaad karne hote hain. epithelial origin ke liye cytokeratin, glial origin ke liye gaya secretory acidic protein. I think I need to buy a vlogging camera. ye DSLR utha ke na mera haath dard ho gaya. seriously DSLR is so heavy yaar. I think aaj hi main jaake पापा के सामने रोऊंगी, पापा प्लीज व्लॉगिंग कैमरा ले दो, पापा प्लीज मुझे यूट्यूब में हेल्प मिलती है, पापा प्लीज, पक्का पढ़ूंगी, पापा प्लीज ले दो. आई एम सीरियसली गोना डू दैट. एनीवे, तो अभी मैं थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठती हूँ. ओके, आई विल स्टडी फॉर अ वाइल एंड देन आई विल सी यू इन अ वाइल.
11:30 AM right now and I just got my period. ये भी ब्लॉग में डालना होता है क्या? I don't know, but it happened today. So why not? And पता है क्या? I was not even due today. मतलब ऐसे randomly motor on हो गई. अभी तक मैंने anatomy में cranial nerve columns, cranial nerve nuclei वगैरह पढ़ा. And it took a lot of time. But it's okay. Anatomy is a time consuming subject. And मैंने ना ऐसे type के notes बना रखे हैं anatomy के तो especially. क्योंकि मुझे एनाटॉमी इजीली याद नहीं होती है ना मुझे मजा आता है ज्यादा पढ़ने में एनाटॉमी. बट या तुम लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है क्या ये सब जानने में? बिकॉज सी गाइस मेरी लाइफ ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग है. ओके इट इज नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल. ओके गाइस सो इट्स 2 PM राइट नाउ एंड आई एम गोना हैव माय लंच व्हिच इज राजमा एंड प्रॉन्टी. एंड मुझे राजमा एंड प्रॉन्टी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. एंड यस मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ बट दैट्स ओके. एंड ये देखो मम्मी, मम्मी से हेलो. अपने साथ मत जोड़िए हमको. सो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए एक रील एडिट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज एक रील अपलोड करनी है. मैं कोशिश करती हूँ एवरी 3 डेज एक रील अपलोड कर दूँ बिकॉज तुम्हारी दिवी सेज वॉट जो है ना वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती है. यू नो शी इज जस्ट सो फेमस ऑन इंस्टाग्राम. मेरे 15,000 फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे. प्लीज़ फॉलो मी प्लीज़ गाइस प्लीज़ थैंक यू सो मच. हाँ तो ऑन अ सीरियस नोट यस मैं अभी इंस्टाग्राम के लिए एक रील एडिट कर रही हूँ. विल अपलोड इट टुडे एंड देन I will probably sleep for an hour because वो बहुत नींद आ रही है. ये गड्ढे दिख रहे हैं तुम्हें? ये गड्ढे आँखों के नीचे गड्ढे. It's because of sleep deprivation. मैं बहुत कम सोती हूँ पता है. मैं नहीं सो पाती हूँ ज़्यादा इस जीवन में. अभी तुम देखो मैं सोने वाला माहौल अपने रूम पे 2:30 PM पे कैसे बनाती हूँ. फर्स्ट थिंग एंड नाउ गुड नाइट. ओके गाइस तो माय मॉम इज रिकॉर्डिंग द वीडियो नाउ एंड अभी 8 बज रहे हैं एंड मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ. यस मैं बहुत ज़्यादा सो गई बट ठीक है डोंट जज मी. ओके सोने पे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती. मैं नहीं सो पाती हूँ ज़्यादा इस जीवन में. एनीवे तो अभी मैं फाइनली नहाने जाऊँगी राइट नाउ. या बच्चे कोई नहाने का टाइम है? 8 o'clock कौन नहाता है? ईशा क्या करती है बेटा? 8 o'clock नहाने जाएगी. रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है. So I just got out of the shower and I might have peed in the shower. Excuse me, hello. ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? अब नहाते हुए थोड़ी रिकॉर्ड करती मैं, ये वैसी वाली वीडियो थोड़ी है क्या तुम लोग भी? मैं जो ट्राई कर रही हूँ करने का वो हो नहीं पा रहा है. ऑल्सो मुझे मुंह में बाल जा रहे हैं थोड़े. देखो ये सेक्सी वैक्सी तो हमसे ना ही हो पाएगा. इतनी देर से हम ट्राई कर रहे थे करने का बट आई वॉज फेलिंग है ना. तो आई थिंक सेक्सी रहने देते हैं. ओके थैंक यू. ओके नाउ आई एम गोना गो चेंज. वो जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे करते हैं ना. ओके एवरीवन तो अब मैं तुम लोगों के साथ अपना ब्यूटी रेजिमेन शेयर करने वाली हूँ. लेकिन मेरी कोई बात सीरियसली मत लेना क्योंकि क्लियरली मुझे ब्यूटी का बी भी नहीं आता है. बट जस्ट लाइक एवरी अदर यूट्यूबर मैं तुम लोगों के साथ अपना स्किन केयर रेजिमेन शेयर करने वाली हूँ. माई स्किन केयर रूटीन ताकि मेरी जैसी त्वचा आपको भी मिल जाए. एक्सक्यूज मी लिसन टू मी. अब मैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ तुम्हें लगेगा ओहो दिवी सेज व्हाट तो ये वाली क्रीम यूज करती है हम भी करेंगे. एंड फिर वो क्रीम तुम लगा लो फिर तुम्हारा पूरा मुंह लाल हो जाए उस पर रैशेज हो जाए उस पर एलर्जी हो जाए तो मुझे कुछ मत कहना. ओके तुम्हारी त्वचा तुम्हारी जिम्मेदारी है. ओके थैंक यू वेरी मच. तो सबसे पहले हम मेरी कबर्ज खोलेंगे जो अंदर से एकदम साफ सुथरी स्पिक एंड स्पैन मिलेगी. चढ़ा सी हाउ क्लीन इट इज. एंड पीछे दारू की बॉटल भी पड़ी है. व्हाट मेरी नहीं है वो व्हाट. ओके तो ये क्रीम है जो मैं यूज़ करती हूँ एंड आई डोंट इवन नो ये सर्दियों में यूज़ करते हैं कि गर्मियों में यूज़ करते हैं बट मेरे पास बहुत टाइम से पड़ी हुई है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ. ओके सो लेट मी शो यू हाउ आई अप्लाई माई क्रीम. इसको ऐसे देखे बस
कुछ नहीं करना है, हाथों में लेके ऐसे ऐसे मुंह पे रगड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तुम्हारे शक्ल के डार्क सर्कल्स तो वैसे भी नहीं जाने वाले दिवशा। आया मेरी त्वचा पे निखार नहीं। अब मैं अपना हेयर सीरम यूज करूंगी। ये कैन यू सी, ऐसे ही तो दिखाते हैं इन्फ्लुएंसर्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ऐसे क्यों दिखाते हैं। तुम्हारी दिवी सेज वॉट जो है ना, वो इंस्टाग्राम पे इज जस्ट सो फेमस। एंड इसको मैं अपने बालों में डालूंगी। दैट्स इट, हो गई मैं खूबसूरत। शिट, मैं बिल्कुल सेक्सी नहीं बन सकती। एक सेकेंड, मैंने लिप बाम नहीं लगाया। वेट, सेक्सी तरीके से लगाती हूँ। हाउ अबाउट दैट? बंद करो हाथ जोड़। ओके, काफी बकचोदी हो गई है। आई थिंक 1:15 हो गए हैं एंड अब हम बैठेंगे पढ़ाई करने। ये ओके गाइस, तो अब आई थिंक 11:15 हो रहे हैं। आई नो काफी लेट हो गया है एंड हम लोग वॉक करने जा रहे हैं, मैं, मम्मी पापा एंड आई एम टेकिंग फूड फॉर द डॉग्स। आज मैं तुम लोग को अपने बेबी से भी मिलवाऊंगी। दिस इज माय बेबी। Hi. Okay, let me feed him क्योंकि ये बहुत भूखा है अभी। खा ले ना, पता क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं है? खा ले। मॉम डैड अपना वॉक कर रहे हैं एंड मैं अपने डॉगी को मिलूंगी अभी। तुम लोगों को सबसे मिलवाऊंगी। आई हैव मोर फूड। आ जा बेबी। पापा हाय। हाय मोटू। हाय मोटू, ये मोटू है। कंट्रोल योर लैंग्वेज। ये जल्दी है क्या? ओके, अपडेट टाइम, इट्स 2:30 AM राइट नाउ एंड मेरे घर पे सब सो रहे हैं एंड मैं चिल्ला रही हूँ। मम्मी को लग रहा होगा बॉयफ्रेंड से बातें कर रही हूँ मैं, चिल्ला चिल्ला के फ़ोन पे, बट नहीं, दरवाज़ा बंद करके सिर्फ कैमरा से बात कर रही हूँ अकेले में। हाँ तो गाइस, अब मैं एनाटॉमी से बोर हो गई हूँ। जैसे जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोर हो जाती हूँ तो मैं बॉयफ्रेंड चेंज कर लेती हूँ, वैसे ही अब मैं एनाटॉमी से बोर हो गई हूँ तो मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूँगी। देखो मेरी आधी बात है ना, तुम लोग इग्नोर करा करो, ओके? तो अब मैं थोड़ी देर के लिए गायनी पढ़ूंगी, माय फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे नींद तो देखो आएगी नहीं क्योंकि मैं काफी सो गई, काफी ज्यादा। अब मेरा कल का पूरा दिन खराब जाएगा, कल सुबह नहीं उठने वाली मैं 7 बजे। इनफैक्ट आज मैं 7 बजे सोऊंगी प्रॉबेबली, पर डोंट वरी, वील स्लीप टुगेदर। मैं तुम लोगों को बताऊंगी जब मैं सोने जाऊंगी, यू नो, सो वील स्लीप टुगेदर। Oh my God, I can't do sexy. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। Okay guys, तो मैंने गायनेकोलॉजी की बुक्स निकाल दी हैं एंड अब मैं बस रिविजन करने बैठ रही हूँ। शिट, मेरा हाथ दुख रहा है यार, पता है ये DSLR कितना भारी है? लेट मी शो यू, ठीक है? लेट मी शो यू, ये देखो, बट ये देखो मैंने कैसे उठा रखा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम लोग ना मेरी वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फिर ना मैं थोड़ा सा यूट्यूब रेवेन्यू कमा लूँगी और उस यूट्यूब रेवेन्यू से मैं व्लॉगिंग कैमरा खरीद लूँगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओके या सो मेरी एनाटॉमी की पढ़ाई एंड गायनेकोलॉजी की पढ़ाई में ये डिफरेंस रहेगा कि एनाटॉमी जो है वो मैं सेकंड टाइम पढ़ रही थी एंड मैंने फर्स्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा ढंग से नहीं पढ़ी थी तो मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं थे तो इसीलिए इट वॉज टेकिंग टाइम। हाउएवर गायनी मैं 4th बार पढ़ रही हूँ, लाइक 4th टाइम, तो आई विल जस्ट गो थ्रू द नोट्स, आई विल रिवाइज एंड रिकॉल एंड थोड़ा थोड़ा मैं बोल बोल के रिविजन करूँगी एंड इट विल बी वे फास्टर दैन एनाटॉमी। लाइक मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 1/3 गायनेकोलॉजी अभी रात रात में रिवाइज कर लूंगी।
and she's on fire. Okay guys, so now I am gonna work out. 1, 2, 3, 4. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. Okay guys, so I'm in bed now. It's 8:30 AM and I'm gonna go sleep. And मैं around 2:30 के करीब उठूंगी. And yeah, मेरा routine effectively fuck हो गया, but it's okay. Now let's go to sleep. Good night. Subscribe to my channel. Love you.